नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पूर्णिमा की। पूर्णिमा तिथि यानी कि ये जो मास चल रहा है, श्रावण मास में बीच में लग गया है अधिक मास, और अधिक मास की पूर्णिमा तिथि इस वर्ष जो है 1 अगस्त 2023 की है। तिथि जो समाप्त होगी ये देर रात्रि 12 बजे समाप्त होगी, जो कि 2 अगस्त लग चुकी होगी। और इस तिथि का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर अधिक मास नहीं होता तो इस पूर्णिमा तिथि पर यानी कि 1 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि श्रावण मास के बीच में अधिक मास पड़ गया और अधिक मास की पूर्णिमा तिथि तो 1 अगस्त 2023 की है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर पूर्णिमा पे पूजा आराधना करते हैं, हर पूर्णिमा का महत्व होता है, उसी तरह से जो अधिक मास की पूर्णिमा है इसका भी महत्व आप देख सकते हैं। कैसे देखा जाएगा? देखिए, भगवान श्री नारायण जी की पूजा आराधना जरूर की जाती है क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। जब भी चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं पूर्ण होता है तो चंद्रमा की तो उपासना की ही जाती है, साथ साथ सत्यनारायण कथा की जाती है, भगवान नारायण जी की पूजा की जाती है माता लक्ष्मी सहित, और साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा आराधना करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और श्रावण मास के बीच में अधिक मास पड़ रहा है तो हम इसको श्रावण अधिक पूर्णिमा कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, उसी तरह से इस जो पूर्णिमा तिथि पे भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व माना जाएगा। और वहीं पर अगर देखा जाए, जैसे कि अधिक मास है, अधिक हर चीज अधिक होना यानी कि बढ़ जाना, अधिक हो जाना, ठीक उसी तरह से इस पूर्णिमा तिथि पर भी जो चंद्रमा होगा वो थोड़ा सा, और चंद्रमा जब देखते हैं पूर्णिमा तिथि पर उसके अनुसार जो है थोड़ा सा बड़ा नजर आने वाला है। यानी कि जब भी आप हर एक पूर्णिमा पे चंद्र दर्शन करते हैं, आप इस पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को जरूर देखिएगा। आपको जो रेगुलर हम पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा देखते हैं उससे थोड़े से बड़े नजर आने वाले हैं, यानी कि अधिक थोड़े बड़े नजर आएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा का आकार भी आपको बड़ा नजर आने वाला है। वहीं पर साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आज का जो चंद्रमा होगा यानी कि 1 अगस्त 2023 का जो चंद्रमा होगा वो थोड़ा सा बड़ा ही नजर आएगा। और इसके अलावा आपको क्या कुछ खास करना चाहिए पूर्णिमा तिथि पर, यानी कि अधिक श्रावण पूर्णिमा तिथि पर आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भगवान शिव की आराधना की जाती है, शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, सत्यनारायण की कथा आप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से संध्या काल में आप जो है तुलसी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी जो परेशानियां होती है वो समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा जो है चंद्रमा को आज के दिन अर्घ देना बहुत खास रहता है, इसीलिए चंद्रमा को अर्घ जरूर दें ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की जो चंद्रमा से संबंधित परेशानियां हैं वो ना आए। और जितनी भी आपको मानसिक तनाव रहता है या छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो सारी चीजें जो है समाप्त हो जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी आप कर सकते हैं पूर्णिमा तिथि पर। इसके अलावा खीर का बहुत महत्व माना जाता है तो इसीलिए खीर जरूर बनाएं। और इसके अलावा जो है भगवान शिव को खीर का भोग लगा के, शिव परिवार पे खीर का भोग लगा के, लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग लगा करके, चंद्रमा को खीर का भोग लगा करके परिवार में खीर का प्रसाद जरूर बांटे। ऐसा करने से आपको धन वैभव लक्ष्मी प्राप्त होगी। वहीं पर एक छोटा सा उपाय मैं अंतिम में देना चाहूंगी जो आप श्रावण मास अधिक पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप जो है एक सिक्का ले लें, थोड़े से अक्षत ले लें, अक्षत यानी कि चावल ले लें जो कि टूटे हुए ना हो, बिल्कुल भी साबुत चावल होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चुटकी हल्दी ले लें, इनकी पोटली बनाएं और लक्ष्मी नारायण जी की आप उपासना करें या उनके बीज मंत्रों का जप करें। और इसके बाद इस पोटली को आप चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात रखे रहने दें, सुबह उठ करके यानी कि जल्दी सुबह उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि सूर्य की किरणें ना पड़े, तो आप इस पोटली को उठा करके यानी कि 4:15 बजे के आसपास सुबह अपने जहां पर भी आपका धन स्थान है या तो वहां रख सकते हैं या फिर इसको अपने पूजा घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कष्ट नहीं आएंगे, माँ अन्नपूर्णा की जो कृपा है वो बनी रहेगी, साथ साथ आपके जीवन भर जो है धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो नहीं होंगी।
तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें इस अधिक मास की पूर्णिमा तिथि पर, आपके लिए बेहद खास रहेगा। उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय श्री राम।